हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो जिस समय उसके पास भावनाओं की अभिव्यक्ति करते समय जब शब्दों की कमी आ जाती है, तो वो अपने हाथ पैर के एक्सप्रेशन द्वारा, उन सभी शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे क्रियाकलापों को ही डांस कहते हैं। कुछ ऐसे डांस होते हैं जिनमें कुछ मुद्राएं या शारीरिक क्रियाकलापों का ध्यान रखा जाता है, वो सभी ऐसे डांसों को क्लासिकल डांस कहा जाता है। क्लासिकल डांस जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र हैं उसमें 8 क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है, उन्हीं को क्लासिकल डांस कहते हैं। क्लासिकल डांस का उल्लेख हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में जो सामवेद है उसमें इन संगीत, एक संगीत का वेद कहा जाता है। तो हम बात करते हैं क्लासिकल डांस कितने हैं। क्लासिकल डांस कुल 8 प्रकार के होते हैं, जैसे यूपी में कथक, केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके बाद तमिलनाडु में भरतनाट्यम और असम में सत्रिया, ओडिशा में ओडिसी, मणिपुर। इसके बाद बचा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्लास का डांस है। अब हम इनको मैप में बताएंगे। आज इनको मैप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऐसे रफली बनाया है। यहाँ पे केरल पड़ेगा, इस तरह से बना देते हैं। यहाँ केरल, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा असम, मणिपुर और कर्नाटक रीजन। देखिए अब यहाँ पे डांस लिखती हुई थी, जैसे केरल है, केरल में क्या है, केरल में दो डांस हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, ओडिशा में ओडिसी है, असम में सत्रिया है और मणिपुर में मणिपुरी है, और यहाँ पे यूपी पड़ता है। यूपी में होता है कथक। तो ये सारे क्लासिकल डांस हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्लासिकल डांस समझ में आए होंगे। तो इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।